Right, so guys, what's up everybody? It's your boy Tyson back in the game with the new vlog. तो आज का मैं सोच रहा था कि मतलब कुछ ऐसा बनाऊँ, कुछ भी मतलब ऐसा, आज सेल्फ हेयर कट का बनाने वाला हूँ, मतलब खुद से अपने बाल को आज काटने वाला हूँ, देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसके पहले एक दो बार कट कर चुका था तो अच्छे कटे थे, तो सोचा था कि एक आध बार व्लॉग में मतलब पूरी वीडियो इसके ऊपर बना दी जाए, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आप बाल कहाँ से कटाते हो या कैसे कटाते हो और किस टाइप से आपका हेयर कट है, सब लोग पूछते हैं। तो मैं सोच रहा था कि खुद से काट के एक बार पूरी सेल्फ वीडियो बना देता हूँ इसकी, ना सेल्फ कट की पूरी इसकी वीडियो बना दूँ सोच रहा था। तो बनाते हैं आज। मैंने बाल में ना मतलब ऑयल लगाया, पूरा ऑयलिंग किया हुआ है कल का, तो सोचा कि वॉश करने के पहले थोड़ा आइट साइड कट करके वीडियो अगर बना देते हैं फिर कर लेंगे। और वैसे तो यहाँ का मौसम बहुत गंदा हो रहा है, दो दिन मतलब बारिश हो रही है और वैसे तो अभी गर्मी का मौसम होने वाला था, आज का डेट है 30 अप्रैल, इधर पता नहीं बारिश हो रही है अभी थोड़ा, तो जैसे कि देख सकते हैं तुम लोग इधर का मौसम बादल छाया हुआ है। तो चलते हैं, कुछ तो करते हैं अपने बालों के साथ, मतलब बोले तो हेयर कट करेंगे। कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे हेयर कलर किया, थोड़ा सा ब्लॉन्ड किया, मेरा अभी थोड़ा बाल ऑयली है क्योंकि मैं ऑयल लगाया था, तो आज वॉश करूंगा अभी। तो चलते हैं, कुछ तो काटते हैं एंड वैसा ही काटूंगा ऐसे मैं कटाता हूँ हमेशा सैलून में, और आप लोग भी कर सकते हो। और इसके लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपके पास है तो करना, नहीं तो मत करना। चलते हैं फिर। तो गाइस, तो आ गया हूँ मैं जहाँ मेरे को अपना बाल वाल कट करना है, बाल वाल। तो आपको बाल कट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आपके पास है तो आप कट करना, नहीं है तो बाय कर लेना, और वो भी नहीं हो सकता तो सैलून में जाके कटवा लेना। तो गाइस, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ट्रिमर मशीन, क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा तो आप पीछे के बाल नहीं कट पाओगे। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ट्रिमर, अगर आपके पास ये है तब आप फिनिशिंग से काट पाओगे। उसके बाद ये कंघी हो सकता है, ये कंघी, और मेरे पास जो कैंची था उसको अभी मिल नहीं, और अभी इमरजेंसी मेरे को वीडियो बनाना है कट करने के लिए, तो मैं ये ले लेता हूँ, ये वाली कैची। जो भी वैसे अपने को कैची का यूज़ बहुत कम करना है क्योंकि अपने पास तो ट्रिमर है, तो कैची अभी यही ले लेते हैं फिलहाल। और एक चीज़ है ये उस्तरा, इसको बोलते हैं उस्तरा, लेकिन आप इसका यूज़ मत करना अगर आपको नहीं आता, तो मेरे को आता है सब यूज़ करना आता है मेरे को, तो मैं कर लेता हूँ क्योंकि इसमें जो ब्लेड रहते हैं ना, गलती से भी मिस्टेक सीधा कट जाएगा गला। एंड मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ट्रिमर ले रहे हो तो आपको कोई अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, और ये जो मेरे पास है काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं लिया हूँ बहुत दिन हो गया मेरे को लिए, और इसका चार्जिंग वाला ये, और अगर आप चार्जिंग वाला ले रहे हो तो काफी अच्छा वाला लेना। एंड गाइस, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास ट्रिमर है तो ठीक है, और नहीं है तो अगर आप लेना चाहते हो तो अच्छी क्वालिटी का ही लेना, क्योंकि अगर आप सस्ते के चक्कर में कोई भी ले लोगे, और अगर बैटरी वाला ले रहे हो तो बैटरी वाले का क्या है, चार्जिंग जल्दी उतर जाता है, फिर वो कटते कटते आप 4 दिन लग जाएगा आपको बाल कटेंगे यहाँ पे। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो भी मेरे पास एक दो ट्रिमर था, उस पर अपन बाल काटते थे कभी कभी, तो मतलब चार्जिंग लो जाता था काटते काटते, फिर वही 4-5 घंटे रुको फिर काटो, जमता नहीं ना भाई। तो अगर आप लेना होगा तो अच्छी क्वालिटी का लेना, जो मेरे पास है वो 900 रुपए का कुछ है, और जब से मैं लिया हूँ उसको कम से कम 2 महीने हो गए, और 3 से 4 बार बाल कट कर दिया, और तब से मैं सिर्फ उसको 2 बार चार्ज किया, और अभी भी उसमें 96% है, मतलब अच्छी क्वालिटी है। एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बाकी अगर लेना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लेना। और उस तरह को है जो कि अगर आपको यूज़ करने नहीं आता तो आप ब्लेड वाली चीज़ें यूज़ मत करना, मेरे को सब आता है तो मैं कर लेता हूँ। तो गाइस, फिर आपको बाल कट करने के पहले सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए ये ऐसे ओढ़ लेना है, ताकि जो कि है ना बाल आपके कपड़े पे मत चिपके। सैलून वगैरह में भी ये सब लगाते, तुम लोग बोल रहे होगे सब तुम्हारे पास तो सब चीज़ है, तो गाइस तो ऐसा लगा के ओढ़ लेना है इसको, क्योंकि ना ये जो कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी करता है, क्योंकि मैं अपना नया नया कपड़ा पहना हूँ भाई, बाल बाल चिपक जाएगा तो फिर निकलता नहीं ना। तो पहले अपने को सिर्फ साइड साइड को कट करना है, तो इस बाल को जो कि है ऐसे करके बाल लूंगा, उसके बाद आजू बाजू से ट्रिमर से ट्रिम कर लेंगे। तो गाइस ऐसे करके अपने को कुछ छोटी छोटी कर लेना है, या फिर इससे आसानी होगी आजू बाजू को ट्रिम करने में, ये ट्रिमर ले लेना है। अगर आपको एकदम जीरो पे करना है तो इसको जीरो कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ से आपको ऐसा सरका के थोड़ा सा ऊपर करेगा। मेन काम है अपने को कैंची का और कंघी का, और फिर कैंची से अपने को पहले से शेप दे देंगे, जैसे अपने को नीचे जीरो करना है ना, नीचे जीरो करना है, ऊपर 1-2 नंबर में रखने वाले को, तो ऐसा करके पहले शेप देंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज आपको एक यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, जैसे कि अगर आप इधर को कट कर लोगे आपको पीछे को कट करना पड़ेगा, तो आपको एक और आईना लेना पड़ेगा। ये देखो ऐसे देख रहे हो तो आपको पीछे दिख रहा होगा, मेरे को भी यहाँ से पीछे दिख रहा है, तो मैं ऐसा करके काट लेता हूँ उसको। शेप दे दिया हूँ पीछे, बाकी इसको अपन ट्रिमर से फिनिशिंग देंगे। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं, और आपके पास 2 आईने हैं, देखो पीछे भी एक आईना है, ये भी एक आईना है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। मैं उल्टा बैठ गया हूँ, यहाँ से मेरे को आसानी होती है, यहाँ से मैं ऐसे कुछ भी काट सकता हूँ, ऐसा देख के काट सकता हूँ, क्योंकि पीछे का आईना अपने को चाहिए स्थिर होना चाहिए, और सामने का आईना को अपने खास से पकड़।
अब इधर की काटने की पारी है, तो इधर को पहले ऐसे करके शेप दूंगा, उसके बाद ऐसे कटेगा। हम लोग जितना हो सके उतने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट में बता देना। और इतनी मेहनत से बना रहा हूँ मैं ये व्लॉग, कृपया करके सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो शेयर लाइक कमेंट सब कर देना। कैची का इतना ही काम था, खत्म करते हैं ऐसे कैची का काम। तो अब ट्रिमर से अपन कट करेंगे। तो गाइस अब अपन क्या शेप दे दिए, कैची से बस शेप देना था ऐसा करके। ऐसे वाली कटिंग काट लेना, अगर आप ऐसे नहीं काट रहे तो सीधा ट्रिमर ऐसे चला देना। जितने इधर है इसको नीचे को पूरे 0 नंबर में और ऊपर को थोड़े बड़े रखना है। इस टाइप से ही आपको काटना है। तो सामने से इतना ही कट पाया, पीछे से काटते हैं इसको जो भी जैसा भी है, लास्ट में देखना फाइनल रिजल्ट। अब इसको अपने को थोड़ा बारीक करना पड़ेगा। सो गाइस, तो 0 नंबर में काटने के बाद हमको ऊपर से नीचे जो भी बाल है उसको मिलाना है। तो पहले अब हम लोग 1 नंबर का कॉन्ग लें और उस पर लगा देंगे ट्रिमर पे। अब हम 1 नंबर के कॉन्ग को लगा कर ट्रिमर से हल्का हल्का बालों को नीचे नीचे ट्रिम करेंगे एंड मिलाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अब उससे आगे के नंबर का कॉन्ग लेके ट्रिमर पे लगाएंगे एंड फिर से नीचे नीचे ट्रिम करेंगे। एंड ये कॉन्ग थोड़ा सा ज़्यादा बाल कट करेगा ऊपर से, और इसको थोड़ा ऊपर ऊपर चलाना है। ओके सो गाइस, तो आपके 0 नंबर के बाल से आपके ऊपर के बालों को मिलाने के लिए हमको बहुत सारे कॉन्ग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आप छोटे कॉन्ग को नीचे के बालों के लिए और थोड़े बड़े कॉन्ग को ऊपर के बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। मैं नीचे के लिए छोटे छोटे कर रहा हूँ और ऊपर के लिए बड़े कॉन्ग यूज़ करते हैं। और आप अच्छे तरीके से मिला सकते हैं, अपने जो भी बाल है उसको क्लियर तरीके से मिला सकते हैं। तो गाइस अब फिनिशिंग देने के लिए हम 0 नंबर से थोड़े से ऊपर जो आता है ना उसमें करेंगे। फिर अब थोड़ा सा अपन फिनिशिंग देंगे और जो ये लाइन है ना उसको अपन हाइड करेंगे पूरी तरीके से और ऊपर से पूरा मिलाएंगे इसको। Moments later. So guys, तो देख ही सकते हो आप लोग मेरा मतलब बाल कटने के बाद जो भी लुक है इधर से। क्या अभी सामने का बाल ऑयली है, इसको थोड़ा वॉश करूंगा मैं एंड वॉश करने के बाद थोड़ा शेड वेड करते हैं ब्लो ड्रायर से एंड फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बाल मेरे इस टाइप से कट हो गए एंड अभी मैं इसको वॉश करके आता हूँ। और ऊपर के बाल मैंने इसलिए नहीं काटे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ऊपर के बाल काटे थे और अभी इसमें ऑयल लगा है तो कटता नहीं, थोड़ा स्लीप होता है, तो बस इसीलिए ऊपर के बाल नहीं काटे। आते हैं वॉश वॉश करके। सो गाइस, तो मैं
तो गाइस तो फाइनली हेयर वेयर अपना हेड वॉश करके आ गया हूँ एंड हेयर को मतलब मैं शैम्पू से एंड कंडीशनर पूरा कर लिया हूँ। आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप भी अपना हेड वॉश करते हो, अपना हेयर को मतलब वॉश करते हो तो बोले तो कंडीशनर लगा भी अगर उससे क्या स्मूथ हो जाते हैं। अगर आपके हेयर कलर वाले बाल है तो ज्यादा रफ रहते हैं ना, वो स्मूथ हो जाते हैं। ये सब वॉश कर लिया हूं मैं और मेरे को पता ही नहीं चला कि कब 5 बज गया और अभी शाम के 5 बज गए। याद नहीं है कि मैं खाना भी नहीं खाया हुआ सुबह से, मतलब सुबह 11 बजे का नाश्ता किया था, उसके बाद से खाना नहीं खाया हूं। घर में चिल्ला रहे थे तो जा रहा हूं खाना खाता हूं। तो चलते हैं खाना खा के आते हैं एंड फिर इसको पूरा शेट वेट करूंगा, पूरा वीडियो आके बनाता हूं। तो गाइस तो बाल अभी गिल्ला है, कुछ अलग ही टाइप का सेट है, तो इसको अपन थोड़ा ब्लो ड्रायर करते हैं एंड इसके पहले अपने को लगा लेना है सीरम एंड ब्लो ड्रायर करते हैं। दिखाता हूं आपको कि मैं कैसा सेट करता हूं अपना हेयर को। अभी तो फुल कट गए हैं एकदम से, तो थोड़ा करते हैं सेट वेट। गाइस तो आपको हेयर ड्रायर करने के पहले मतलब अगर आपके पास हीट प्रोटेक्शन है तो वो लगा लेना आप, और मैं तो फिलहाल ये सीरम लगा लेता हूं। यही मतलब एक बूंद लेना है, एक बूंद लेके पूरा अपने बालों पर उसको अप्लाई कर लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है, और फिर ब्लो ड्राई करना जैसे मैं करता हूँ वैसे करना। Few moments later. भाई देख सकते हैं आप कि मेरा बाल मतलब सेट हो गया है। जितना मतलब थोड़ा बहुत जो कर्ली रहते हैं मेरा बाल धोने के बाद वो ब्लू ड्रायर से थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है। अब इतना ही स्ट्रेट सही है, मेरे को ज्यादा स्ट्रेट नहीं करता मैं, पहले करता था, अब इतना ही अच्छा लगता। सो गाइस तो देख सकते हो आप लोग मेरे बाल का मतलब फाइनल लुक अच्छा ही है। अब चाहूँ तो मैं इसको और स्ट्रेट करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेट कर सकता हूँ, बट ज़्यादा स्ट्रेटनर नहीं चलाना चाहिए अपने बालों पे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं उससे बाल। और मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा अपने बालों पे ना ऑयलिंग किया करो। ऑयलिंग करने से मेरे इतने खराब जो बाल है ना वो भी ठीक हो जाते हैं। एक दिन ऑयलिंग करता हूँ मैं, पूरे एक दिन अगर ऑयल में रखता हूँ बाल, दूसरे दिन ना एकदम अच्छे लगते हैं मेरे को, मतलब जो भी डैमेज रखते हैं ना रुके रुके वो अच्छे लगने लग जाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप लोग भी ऑयलिंग करो अपने बालों में। तो ये व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मतलब जो भी मेरा कटिंग है देख लो, मतलब एकदम प्रोफेशनल टाइप है, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि घर से काटे हो गया ना, एकदम प्रोफेशनल टाइप है। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हुआ ये व्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो गए तो पुराने हो गए तो शेयर कर देना।